जो हमने अभी प्रैक्टिकल में मशीन देखी थी, उसी मशीन के मैं पार्ट्स यहाँ वापस से आपको बता रही हूँ। ये मशीन का आपको चित्र बनाना होगा अपनी फाइल के अंदर, और उसके बाद में हम इसको पूरी नेमिंग करेंगे, सारी नामांकित करेंगे। एक जो व्हाइट पन्ना होता है, जो हमारी ड्राइंग शीट होती है, उसके ऊपर हम एक ब्लैक फाइल बनाएंगे हमारे टेक्सटाइल के लिए, और उसमें जो शीट होगी सफेद कलर की, उसमें हम ये चित्र बनाएंगे और हम इसको नामांकित कर देंगे। फिर जो राइट साइड पे लाइन वाले जो पन्ने होते हैं, लाइन वाले पन्नों में हम सिलाई मशीन के जो पार्ट्स हैं उनका नाम लिखेंगे और एक-एक लाइन उसके बारे में लिखेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए कि सिलाई मशीन में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और सिलाई मशीन जो है वो किस चीज से चलती है, कहाँ से धागा आ रहा है, ये हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये वाला जो चित्र है वो व्हाइट पार्ट पे बना के फिर लाइन वाले पन्नों पे हमको इसके पार्ट्स लिखने हैं। जैसे पहला है निडिल प्लेट। निडिल प्लेट मैंने उसमें बताई थी आपको, यहाँ जिसमें से कि सुई अंदर जा रही है बाहर आ रही है, ये निडिल प्लेट। फिर साइड प्लेट। स्लाइड प्लेट मतलब जो इस तरफ जो मैंने बताई थी उसको हिला के और उसको उठा के और अंदर से बॉबिन निकाली थी और बॉबिन केस निकाला था, तो ये साइड प्लेट इधर की, स्लाइड प्लेट इधर की हो गई। स्लाइड करके प्लेट को हटाना, तो और निडिल प्लेट मतलब जिसमें से निडिल यानी सुई जा रही है, तो निडिल प्लेट, स्लाइड प्लेट। उसके बाद में हम बॉबिन केस, अंदर की साइड है वो दिख नहीं रहा लेकिन हमें पता होना चाहिए अंदर बॉबिन केस है। बॉबिन केस के अंदर बॉबिन फिट रहता है और जो बॉबिन होती है उसके अंदर धागा लिपटा हुआ होता है, वो हमको एक एक लाइन लिखनी है। फिर उसके बाद में चौथा है क्लैंप स्क्रू। क्लैंप मतलब किसी चीज को पकड़ना और स्क्रू मतलब कोई पेच। तो क्लैंप स्क्रू मतलब जो ये सुई होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सुई को पकड़ने वाला जो स्क्रू होता है क्लैंप स्क्रू उसको कहते हैं। और जब क्लैंप स्क्रू जो है जब उसमें सुई लगाते हैं, तो जैसे मैंने सुई बताई थी कि सुई का जो एक पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, तो वो फ्लैट पार्ट तो अंदर की तरफ जाएगा और जो गोल पार्ट है वो बाहर की तरफ इसमें फिट करते हैं। जब भी हम इसको फिट करते हैं तो इस तरह से, क्योंकि सुई चारों तरफ से गोल नहीं होती, सुई का मतलब ऊपर वाला पार्ट चारों तरफ से नहीं होता है। मैं आपको वापस दिखा दूं, ये जो सुई है इस सुई में ये एक तरफ ये फ्लैट पार्ट है और फिर इधर गोल है, इस तरह से ये गोल है और ये फ्लैट है। तो मैं जो ये फ्लैट वाला जो पार्ट है वो एक तरफ जाता है और उसके बाद में गोल वाला जो है वो दूसरी तरफ इसमें चला जाता है। तो यहाँ इसमें सुई लगाने का हो गया, इस जगह सुई को फिट करने के लिए जो स्क्रू है वो क्लैंप स्क्रू हो गया। उसके बाद में है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट मतलब जो मैंने कहा ना एड़ी के शक्ल का है ये वाला जो पार्ट था यहाँ, मतलब पीछे से हमने उस प्रेशर फुट लिफ्टर से उठाया था, उसको ऊंचा उठाया था और वो इस तरह से एक यहाँ बना हुआ था, वो प्रेशर फुट हो जाएगा। मतलब जो निडिल सुई उसी में से अंदर जाती है और उसी में से बाहर निकलती है। थोड़े भी टेढ़ी मेढ़ी अगर सुई हम लगा देंगे तो सुई उसमें से टूट जाती है, अगर सुई ऊपर से ढीली है, क्लैंप स्क्रू अच्छे से नहीं कसा हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद में प्रेशर फुट के बाद में है प्रेशर फुट लिफ्टर। लिफ्टर मतलब जो पीछे वाला भाग, जो मैंने यूं किया था कि ये पीछे से ऊंचा किया तो प्रेशर फुट ऊंचा हो गया, फिर हमने कपड़ा उसमें फंसा दिया सिलाई के लिए, उसके बाद में उसको नीचे किया तो कपड़ा दब गया, अब हम सिलाई आराम से कर सकते हैं क्योंकि जब तक वो दबेगा नहीं तो कपड़ा जाएगा कैसे। तो इस तरह से ये प्रेशर फुट लिफ्टर हो जाएगा पीछे की साइड। फिर है टेकअप लीवर। टेकअप लीवर जो है वो ये वाला पार्ट है, मतलब लीवर मतलब जो ले जा रहा है, टेकअप लेने वाला। तो जो धागा है वो यहां से चालू हो रहा है और धागे को ऊपर नीचे ले जाके और यहां तक लाता है और सिलाई के लिए टेकअप लीवर धागे को आगे भेजता रहता है। फिर है टेंशन रेगुलेटर। टेंशन रेगुलेटर जो है मैंने आपको यहां बताया था, वो दो गोल गोल पत्तियों को चौड़ी करके दिखाई थी ना, तो एक स्प्रिंग होती है, दो चौड़ी प्लेट होती है, उसी के अंदर से धागा आता है वापस से, तो और आगे पेच लगा रहता है। तो अगर धागे में बहुत ज्यादा टाइट हमको धागा लेना है, वो धीरे धीरे खींचना है, तो हम पेच को पूरा कस देंगे, तो
तो धागा निकलेगा ही नहीं, बहुत धीरे निकलेगा। अगर हम उस पेज को बिल्कुल ढीला कर देंगे तो वो जो स्प्रिंग है वो वहाँ लगी हुई है, तो वो जो प्लेट्स हैं वो थोड़ी ढीली हो जाएंगी और धागा इजीली निकल जाएगा। तो हमेशा कई बार ऐसा होता है ना कि ऊपर धागा ऊंचा आ रहा है या नीचे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम उससे सेट कर सकते हैं कि हो सकता है धागा बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा हो, ये टेंशन रेगुलेटर है। फिर स्पूल पिन, स्पूल पिन ये वाली जो उसमें निकल गई थी ऊपर, मतलब धागे की रील यानी गिट्टी जिस पे लगाते हैं वो स्पूल पिन होती है। उसके बाद में फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील मतलब जो वो काला काला एक व्हील है, ये वाला चक्का जो चलता है जिससे कि मशीन पूरी चलती है उसे हम फ्लाई व्हील कहते हैं। हैंडल, फ्लाई व्हील के एक तरफ एक हैंडल लगा रहता है इस तरह से, और वो लकड़ी का या बेकेलाइट का होता है, आराम से वो चलता है। और अगर हमको उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है तो हम हैंडल हटवा देते हैं, और हैंडल हटाने के बाद में पीछे की साइड एक छोटी मोटर लग जाती है जो कि व्हील को चलाने का काम करती है। व्हील रहता है, खाली हैंडल हटता है, हैंडल की जगह हम मोटर को लगा देते हैं। फिर है बॉबिन बाइंडर, बॉबिन बाइंडर मतलब जो बॉबिन केस के अंदर बॉबिन थी जिसमें धागा लिपटा हुआ होता है, वो धागा कैसे आता है, हम हाथ से तो इतना सारा नहीं कर सकते हैं, तो इस जगह हम उसको ऊंचा करके और लगा देंगे बॉबिन को, और फिर वो धागा हम मशीन को जब चलाएंगे तो जो हमारी गिट्टी है उसमें से धागा निकल के और बॉबिन के ऊपर लिपट जाएगा और बॉबिन नीचे चला जाएगा, जिससे कि नीचे से धागा बॉबिन में से आएगा, ऊपर से गिट्टी यानी कि जो हमारी धागे की रील है उसमें से आएगा। तो ये बॉबिन बाइंडर हो गया। फिर स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू, ये जो आगे वाला मैंने तुमको बताया था, मतलब एक ऐसा स्क्रू होता है कि उसको हम पहले ढीला करते हैं उल्टी साइड करके, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं। अगर यहाँ तक ऊपर ले आए 5 नंबर तक, तो 5 नंबर का मतलब है कि बहुत बड़ा 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 धागा, बड़ा धागा होगा मतलब कि हम उसको खींचेंगे तो सिलाई फटाफट उधर जाएगी। तो 5 नंबर का धागा, 5 नंबर की सिलाई करनी है, बड़ी सिलाई वो यहाँ होगी और जितनी छोटी सिलाई करनी है वो यहाँ तक। तो अधिकतर हम 3 पे रखते हैं, 3 पे जो सिलाई होती है वो जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे प्रेशर को आराम से झेल लेती है, क्योंकि अगर 3 से कम हो और कभी हमको उधेड़ना हो तो वो उधड़ती ही नहीं है, वो कपड़ा फट जाता है। और 5 नंबर की सिलाई कब लगाते हैं, या तो फ्रिल करनी है तो एक धागा जो है वो खींच देते हैं और वो फ्रिल फटाफट बन जाती है, या फिर उस वक्त भी जबकि कोई बिगनर है या फिर कोई अस्तर वाले कपड़े बनाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे नेक जब ऊपर कोई गोट वगैरह लगानी हो तो वो क्या करेंगे कि पहले दोनों को सीधे में ही रख के और मोटी मोटी सिलाइयाँ फेर लेते हैं, बाहों पे भी गले पे भी, जिससे कि कपड़ा खिसके नहीं जब वो सिलाई करते हैं तब। तो मोटी सिलाई यानी 5 नंबर की सिलाई तब होती है जब हम उसको उधेड़ने के लिए, मतलब उधेड़ना है हमको तभी 5 नंबर की सिलाई होती है। 5 नंबर की सिलाई से कपड़े सिलकर हम पहन नहीं सकते, क्योंकि तो वो जल्दी उधड़ जाएंगे, एक उसमें थोड़े से सलवट भी आ जाती है। तो इस तरह से ये सब जो है वो सिलाई के पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स आपको चित्र बना के और ये एक एक दो दो लाइन में लिखना है, और ये सिलाई मशीन का पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम इसी प्रैक्टिकल में सिलाई से संबंधित जो उपकरण है, उपकरण मतलब कोई छोटे छोटे उपकरण होते हैं, वो उनका क्या नाम है और किस काम आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।